अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सेल का एक फीचर है पिवोटेबल, उसका एक बेसिक सा एक ओवरव्यू लेंगे और हम ये देखेंगे कि इसमें ये पिवोटेबल होता क्या है, राइट? पिवोटेबल हमारे लिए क्या कुछ कर सकता है और इसका जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो क्या है। अच्छा जी, जो पिवोटेबल है ये एक एक्सेल है जो कि बुनियादी तौर पर एक समराइजिंग टूल है, राइट? हम क्या करते हैं, हमारे पास एक टेबल होता है और उस टेबल को हम लोग एक समराइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं और ये काम करता है पिवट टेबल, राइट? जो समरी होगी वो हम उसमें एडिशन का फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं, एवरेज भी लगा सकते हैं, काउंट भी लगा सकते हैं और जो दूसरे स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस होते हैं उनको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आपको तस्वीर के अंदर आपको नजर आ रहे होंगे, ये हमारे पास एक बेसिक एक्सेल का टेबल है और इस टेबल की बुनियाद के ऊपर हम लोगों ने एक छोटा सा स्नैपशॉट लिया हुआ है पिवट टेबल का। तो ये समरी है शहरों की कि किस शहर के अंदर कितनी जो क्वांटिटी है वो सोल्ड आउट हुई हुई है। तो ये जो टेबल है इसकी समरी अगर हम लोग प्रेजेंट करना चाहें तो पिवट टेबल की मदद से कर सकते हैं और बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। अच्छा, और अब इसका फायदा क्या होगा, होगा कि जब हम अपने डेटा को पिवट टेबल के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत सारी जो हिडन इंफॉर्मेशन होती है वो भी हमारे सामने आ जाती है और मीनिंगफुल वे के अंदर जो डेटा है वो हमारे सामने आता है जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होता है फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। अच्छा जी, पिवट टेबल बनाने के लिए कुछ बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर हम इनको देख लें तो जो पिवट टेबल बनेगा वो पिवट टेबल का जो रिजल्ट होगा वो परफेक्ट होगा। अच्छा, अब पिवट टेबल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें जो पहली रिक्वायरमेंट है कि ईच रो रिप्रेजेंट वन रिकॉर्ड। तो जो हमारे पास डेटा टेबल होगा उसके अंदर जो एक रो होगी वो एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही होगी, राइट? फिर डेटा मस्ट बी इन रोज एंड कॉलम्स। तो जाहिर है कि टेबलर फॉर्म है तो डेटा क्या होगा वो रोज एंड कॉलम्स की होगा। देयर शुड बी नो एम्प्टी रोज एंड एम्प्टी कॉलम और अ सेल इन अ डेटा टेबल। तो टेबल के अंदर कोई एम्प्टी कॉलम नहीं होना चाहिए, कोई एम्प्टी रो नहीं होनी चाहिए और कोई एम्प्टी सेल नहीं होना चाहिए। अगर ये एम्प्टी कॉलम, एम्प्टी सेल या एम्प्टी रो हो तो उसकी वजह से पिवट टेबल तो बन जाएगा लेकिन पिवट टेबल की इंफॉर्मेशन है वो इनकरेक्ट होगी, राइट? अच्छा, फिर अगली जो रिक्वायरमेंट है कि ईच कॉलम मस्ट हैव अ नेम। तो अगर कॉलम का नाम हो तब भी पिवट टेबल बन जाएगा लेकिन फिर जो इसका एनालिसिस करेंगे, तजिया करेंगे वो ठीक नहीं होगा, वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा। तो इसलिए रिक्वायरमेंट है कि हर कॉलम कोई नाम होना चाहिए, जैसे कि आपको नजर आ रहा है इस तस्वीर के अंदर कि हर कॉलम का कोई ना कोई नाम है। इसमें डेट है, लोकेशन है, सेल्स पर्सन है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, प्राइस है। और अगर हम बनाते हैं तो फिर हमें आसानी के साथ पता चल जाएगा कि ये किस कॉलम का डेटा हमारे सामने मौजूद है, राइट? तो हर कॉलम का कोई ना कोई नाम होना चाहिए। फिर साथ ही साथ एक और अहम जो रिक्वायरमेंट है कि ईच कॉलम मस्ट शुड हैव कंसिस्टेंट डेटा। अब ये जो कंसिस्टेंट डेटा से क्या मुराद है, अब कंसिस्टेंट डेटा में यहाँ पर टाइप और कॉन्टेक्स्ट का मतलब लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि टाइप, आपके पास टेक्स्ट, अगर एक कॉलम में टेक्स्ट डेटा है तो इसके अंदर सिर्फ टेक्सुअल डेटा होना चाहिए, नंबर वन। और कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि अगर सेल्स पर्सन के कॉलम की बात हो रही है तो इसके अंदर सिर्फ सेल्स पर्सन का ही डेटा होना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेल्स पर्सन के कॉलम के अंदर आपको प्रोडक्ट का डेटा भी नजर आए या आपको लोकेशन का डेटा भी नजर आए। तो हर कॉलम जिसके लिए डेजिग्नेटेड है उसी के लिए वहां पर जो डेटा है वहां पर होना चाहिए। तो ये हमारी करेक्ट फॉर्म है कि हर कॉलम का कोई ना कोई नाम है, रोज और कॉलम जो एम सेल भी एम्प्टी नहीं है, राइट? और एक जो रो है वो एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। सो दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डेटा। अब इसके ऊपर हम बहुत आसानी के साथ पिवट
टेबल बना सकते हैं। अच्छा जी, अब हम जरा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात कर लें। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे होगा क्या कि हमारे पास कोई ना कोई डेटा सोर्स होनी चाहिए, जो कि एक्सेल का डेटा भी हो सकता है, एक्सेल का टेबल भी हो सकता है, कोई सीएसवी फाइल भी हो सकती है, एक्सेस डेटा बेस हो सकती है या कोई और डेटा बेस हो सकती है, राइट। हम उस डेटाबेस के ऊपर पिवट टेबल अप्लाई करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं कि डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं या नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइजेशन का मतलब यह है कि वो रूल जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे, आपका डेटा उस उन रूल्स को फॉलो करे। तो जब डेटा उन रूल्स को फॉलो करेगा तो डेटा आपका नॉर्मलाइज हो जाएगा, वैलिडेट हो जाएगा, और इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, पिवट टेबल बना सकते हैं। अच्छा, जब भी हम पिवट टेबल बनाते हैं, कनेक्ट करते हैं डेटा सोर्सेज के साथ, तो जो उसके अंदर डेटा होगा वो एक्सेल की खास किस्म की मेमोरी है, जिसको हम पिवट कैशे कहते हैं। वो सारा का सारा डेटा कहाँ चला जाएगा, पिवट कैशे में चला जाएगा, और पिवट कैशे से ही आपकी पिवट टेबल की रिपोर्ट्स जनरेट होंगी। तो जो भी डेटा की रिफ्लेक्शन आपको नजर आएगी, डेटा आपको नजर आएगा या समरी आपको, वो कहां से आपको नजर आएगी, वो पिवट कैशे में से नजर आएगी। और अगर ये फाइल्स डेटा सोर्सेज आपकी में कोई नया डेटा आ जाता है, कोई डेटा अपेंड हो जाता है यहाँ पर, तो नया डेटा की जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस पिवट टेबल में उस वक्त तक नजर नहीं आएगी जब तक हम इस पिवट टेबल को रिफ्रेश ना कर ले। जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो जो डेटा है वो पिवट कैशे के अंदर चला जाएगा, और पिवट कैशे से फिर जो उसकी रिफ्लेक्शन है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। अच्छा, अब पिवट टेबल के कुछ लेआउट्स होते हैं, जिसमें एक कॉम्पैक्ट लेआउट है, एक आउटलाइन भी आउटलाइन लेआउट है, फिर एक टेबलर लेआउट है। ये डिफरेंट तरीके जो कि पिवट टेबल के लेआउट को जाहिर करते हैं कि किस तरीके से डेटा हम लोग दिखाना चाहते हैं। जैसे कि कॉम्पैक्ट लेआउट के अंदर आपका जो सारा इम्पोर्टेंट डेटा होगा वो एक ही कॉलम में आपको नजर आएगा, और इसकी मदद से ये जो इसका बुनियादी मकसद है कि आपका जो टेबल है ये ज़्यादा बेहतर तरीके से रीडेबल हो। और आउटलाइन और टेबलर जो फॉर्म है, जो नॉर्मल हमारे जो टेबल, उस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आउटलाइन में सिर्फ ये होता है कि आपका जो मेन कॉलम होता है वो पहले होता है, फिर अगला कॉलम उससे एक रो नीचे होता है, एंड सो एंड सो फोर्थ, राइट। अच्छा, अब ये जो स्लाइसेस हैं, स्लाइसेस की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो पिवट टेबल्स हैं इनको हम फिल्टर कर सकते हैं। तो स्लाइसर के की मदद से हम लोग फिल्टर करना सीखेंगे कि पिवट टेबल को फिल्टर किया जा सकता है। फिर पिवट चार्ट्स हैं, तो हम इस पिवट टेबल की बुनियाद के ऊपर बहुत ही आसानी के साथ पिवट चार्ट बना सकते हैं, यानी कि इस डेटा को हम डायग्राम की सूरत में, चार्ट की सूरत में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो पिवट चार्ट्स इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पिवट टेबल। अच्छा, अगर इस पिवट टेबल के अंदर कोई ना कोई हमारे पास कोई एक इम्पॉर्टेंट डेटा आइटम है और उसकी हम लोग डिटेल देखना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ड्रिल डाउन की एक फंक्शनैलिटी है पिवट टेबल के अंदर, उसको इस्तेमाल करते हुए हम उसको इस्तेमाल करेंगे और इस पर्टिकुलर डेटा आइटम की जो डिटेल्स देखना चाहेंगे तो बहुत आसानी के साथ। फिर इसी पिवट टेबल के अंदर हम लोग एनालिसिस भी कर सकते हैं कि यही पिवट टेबल को हम डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि हम जो हमारे पास समरी है उसको हम समरी को परसेंटेज की सूरत में लेकर आ सकते हैं, राइट। और भी डिफरेंट हम लोग काम कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें कुछ ऑपरेशंस हैं इस पिवट टेबल के ऊपर, वो भी हम लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, आसानी के साथ सॉर्टिंग कर सकते हैं, फिल्टरिंग कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं, सब टोटल्स फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। और अगर इस पिवट टेबल के अंदर कोई एक्स्ट्रा कॉलम हम लोगों ने यहाँ पर डालना हो, तो हम लोग कैलकुलेटेड कॉलम्स की मदद से हम कोई एक्स्ट्रा कॉलम जो कि यहाँ पर डेटा सोर्स के अंदर नहीं है, लेकिन हम इसको पिवट टेबल के अंदर लेकर आए, तो हम कैलकुलेटेड कॉलम की मदद से पिवट टेबल के अंदर लेकर आ सकते हैं। और इसी तरीके से अगर कोई कैलकुलेटेड फील्ड हमें बनानी हो, तो वो भी हम लोग बहुत आराम के साथ, आसानी के साथ इस पिवट टेबल में बना सकते हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया था पिवट टेबल का।
कि पिवट टेबल क्या कर सकता है। पिवट टेबल बहुत ही आसान फीचर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फीचर है, इससे हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं।